अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चाइना में लोग ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह करते हैं? जी हाँ, ये वीडियो आज इसी बारे में स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम चाइना आते हैं और फर्स्ट सिक्स मंथ या फर्स्ट ईयर में उनको प्रॉब्लम होती है चीज़ें वगैरह बाय करने में, क्योंकि स्टूडेंट हैं, शॉप्स भी इतनी एक्सपेंसिव होती है, इतनी वैरायटी भी नहीं होती, जबकि ऑनलाइन घर बैठे आप बाय कर लेते हो। और मतलब यहाँ पे तकरीबन 80% ऐसे चाइनीज़ लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एज कम्पेयर टू कि बाजार जाके या शॉप से शॉपिंग करें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है और उनके पास चाइनीज़ के पास टाइम भी नहीं होता, वो बिजी बहुत होते हैं। खैर, इस वीडियो को लंबा नहीं करते, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नंबर वन पे आता है थाओबाओ। थाओबाओ चाइना की नंबर वन ऑनलाइन ऐप है जो कि 85% चाइनीज लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कपड़ों से लेके फर्नीचर, सोफ़ा, कारपेट, पेंसिल, रेजर, गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, मतलब हर चीज़, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक आप इसमें बाय कर सकते हो। और ये चाइना में बहुत फेमस है और इसकी क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा इस थाओबाओ ऐप का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको, आपने कोई चीज़ बाय की है और आपके पास वो ख़राब आई है, टूट गई है या फिर गलत चीज़ आ गई है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने पैसे रिफ़ंड भी करवा सकते हो या फिर आप उस ख़राब चीज़ की जगह एक नई चीज़ ले सकते हो, ठीक है, नया आइटम ले सकते हो। तो ये बहुत कम्फर्टेबल होता है, आपको कहीं जाना भी नहीं होता, घर में बैठ के आप मोबाइल इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो और सिलेक्ट करते हो, और जो आपका करीबी, जो आपने एड्रेस दिया होता है शॉप या फिर आपका घर, तो वो उधर आपको पार्सल पहुंच जाता है बिल्कुल घर बैठे। और अगर चीज़ ख़राब है तो आप घर में बैठे रिफंड भी कर सकते हो। नंबर टू पे आती है फिनतोतो। फिनतोतो सिमिलर होती है थाओबाओ से, लेकिन इसमें थोड़ी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू थाओबाओ इसमें प्राइस बहुत कम होती है और वैरायटी भी बहुत होती है। मतलब हाई प्राइस की चीज़ भी होगी, मिडिल प्राइस की चीज़ होगी और लो प्राइस की चीज़ होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह, लेकिन एज़ कम्पेयर टू थाओबाओ इसमें ये है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर क्योंकि चीप होती है तो काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग इसको थाओबाओ के अलावा यूज़ करते हैं। इसका भी प्रोसीजर सेम है कि आप घर बैठे सिलेक्ट करते हो और चीज़ को एड्रेस वगैरह लिखते हो तो आपके घर आ जाती है। आप इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका ये, इसमें भी ये बेनिफिट है कि अगर चीज़ ख़राब आती है तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आपको पसंद नहीं आ रही कोई ख़राबी उस आइटम के अंदर, तो आप अपने पैसे रिफ़ंड करवा सकते हो उस सेलर को। तस्वीर वगैरह आपने सेंड करनी होती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, और वो आपको पैसे आपको रिफ़ंड कर देते। थर्ड पे आती है शेनयू। ये एक ऐसी ऐप है जिस पे ना सिर्फ आप खरीदारी कर सकते हो बल्कि अगर आप खुद भी सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो। इस पे सेकंड हैंड चीज़ें आप बाय कर सकते हो। इसमें भी सारी चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की आती हैं, कोई भी आपने चीज़ लेनी है, फर्नीचर लेना है, कुछ लेना है, सेकंड हैंड इस ऐप से आप कर सकते हो। और अगर बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो कोई, आप अपने उसमें एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो भी आप इस ऐप को यूज़ करके चीज़ों को सेल कर सकते हो। टॉप तीन ऐप्स जो कि चाइना के अंदर मोस्टली चाइनीज़ पीपल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि चाइनीज़ पीपल इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि इंटरनेशनल, सबको पता है सबसे पहले अलीबाबा आता है। और वैसे ये जो तीनों ऐप्स हैं अलीबाबा से ही कनेक्ट होती हैं। जब आप पैसे देते हो वो बेसिकली उधर ही जाते हैं, और जब आपको वो चीज़ आप कन्फर्म कर देते हो कि आप उससे सेटिस्फाई हो, तब वो अलीबाबा उस सेलर को पैसे देता है। खैर, लेकिन ये है कि अलीबाबा के ऊपर जो इंटरनेशनल हैं वो तो, मतलब जो बिज़नेस करते हैं वो अलीबाबा ऐप को यूज़ करते हैं, और वो उसके थ्रू जो है वो मतलब जिन्हें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान मंगवाना होता है और सस्ते के अंदर मंगवाना होता है एज अ बिजनेस के तौर पे, तो वो अलीबाबा ऐप को इस्तेमाल करते हैं। चाइना के अंदर मोस्टली लोग जो है वो यही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक तो ये बिजी बहुत होते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब ये बाजार जाएं, ये करें, आउटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन शॉपिंग मोस्टली ये लोग जो है वो ऑनलाइन करते हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि उसमें आपको चाइनीज़ बोलनी नहीं पड़ती है शॉप पे जाके, और ये कोई कम्युनिकेशन वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती, ना ढूंढनी पड़ती है आपको, आपका टाइम भी सेव होता है, तो वो ऑनलाइन ही शॉप करते हैं कि घर बैठे आपको सारे प्रोडक्ट आपकी मर्जी के मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो मिलूंगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।